हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास एलेवन सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर दो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी स्टार्ट कराने जा रहा हूं स्टूडेंट्स इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं ये टॉपिक करवाऊँ आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक वट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग उनकी हमारी वांट्स हैं जो वो अनलिमिटेड रहती हैं बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वॉन्ट्स आर स्कार्स और जो हमारे पास मीन्स या रिसोर्स अवेलेबल हैं उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड हैं स्कार्स का दूसरा मतलब लिमिटेड भी होता है ठीक है जी ओके इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इकॉनमी टू प्रोवाइड एवरी थिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल बिकॉज नो इकॉनमी पोजैसेज अनलिमिटेड रिसोर्सेज क्योंकि कहता है कि ये बड़ा ही इम्पॉसिबल टास्क है कि सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना सारे इंडिविजुअल्स के लिए ठीक है क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते इट बिकम्स नेसेसरी फॉर एवरी इकोनॉमी देअर फॉर टू मेक ए चॉइस इसलिए हर इकॉनमी को कुछ चॉइस करनी पड़ती है ठीक है रिगार्डिंग द एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ताकि जो रिसोर्सेज हैं उसका कुछ एफिशिएंट इस्तेमाल किया जा सके इकोनॉमी में लाइक लैंड लेबर कैपिटल ठीक है जी रिसोर्सेज के फॉर्म में इनका इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि सबकी जरूरतें तो चाहे पूरी ना हो पाएं लेकिन सबकी कुछ कुछ जरूरतें इस तरीके से पूरी होनी चाहिए कि सबका सोशल वेलफेयर भी होता रहे और सबका सेटिसफेक्शन भी होता रहे ठीक है जी द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू डिफरेंट यूजेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम फिर क्या हुई प्रॉब्लम हुई जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है जिसके कि डिफरेंट यूज अवेलेबल हैं उसको एलोकेट कैसे करना है ठीक है उसको ही तो हम क्या बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम द बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका मतलब इट्स अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ ऑफ चॉइस और इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज और यूज uh, करना जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ठीक है जी सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इसशली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है वो इसेंशली क्या है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही है सो कंफ्रटेड विद द Confronted with the scarcity of resources, our wants we have to make choice regarding the allocation of resources to alternative uses with a view to maximize economic gain at the individual level and maximizing social welfare at the level of economy as a whole. Confronted मतलब का मतलब तो लड़ना होता ना मतलब उसका आमना सामना उसका सामना करना scarcity of resources का अपनी wants के साथ वी हैव टू मेक चॉइस हमें चॉइस मेंटेन करनी पड़ती है रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे टू अल्टरनेटिव यूजेज ठीक है विद मैक्म विद अ व्यू ऑफ मैक्सिमम इकोनॉमिक गेंद ताकि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक गेन हो हम सबको इंडिविजुअल लेवल पर भी और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो इकोनॉमी एज ए होल के फॉर्म में भी दस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इसशली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक में वो है ज़्यादातर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सो वट आर वट कॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो क्या चीज़ है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करती है वो है एक तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स अनलिमिटेड वॉन्ट्स है दूसरा लिमिटेड और स्क्योर मीन है और तीसरा अल्टरनेटिव यूजेज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है जैसे एक इंडिविजुअल की बात करें एक इंडिविजुअल की बात करें ठीक है जी उसकी डिमांड्स या वांट्स बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड्स और यहाँ पे जैसे कि मैं वांट्स बोला हूँ बहुत ज़्यादा है उसको घर का रेंट भी पे करना है उसको ग्रॉसरी भी खरीदनी है ठीक है जी उसको बच्चों की स्कूल फ़ीस भी देनी है उसको अपने मेडिकल एक्सपेंसिस का भी रखना है उसको अपने डोमेस्टिक या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बाकी करना है ठीक है जी उसको अपनी इंश्योरेंस भी पे करनी है उसको कुछ सेव भी करना है उसको अपनी वाइफ को भी खर्चा देना है वेजिटेबल्स भी लानी है फ्रूट्स भी घर के लिए लाने हैं, तो इतना इंफिनिटी तक यह चला जाता है ये काम किस में चला जाता है इंफिनिटी तक तो डिमांड्स तो बहुत ज्यादा हैं, बट वो अर्न कितना कर रहा है रुपीज टेन थाउजेंड तो पहला ये आ गया अनलिमिटेड वॉन्ट्स और दूसरा ये आ गया लिमिटेड रिसोर्सेज अब इनका अल्टरनेटिव यूज कैसे होगा कि इस दस हजार रुपये में वो कौन सा खर्चा कितना कितना रुपया कर सकता है ताकि उसकी मैक्सिमम या प्रायोरिटी के हिसाब से जो सबसे पहली जरूरतें हैं रोटी कपड़ा मकान वो तो पूरी हो जाए ठीक है जी उसके बाद वो अपनी चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल करे पैसों को किस इस तरीके से इस्तेमाल करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले ठीक है जी अब दस का हजार का दस हजार तो रेंट नहीं दे सकता दस हजार की ग्रोसरी नहीं खरीद सकता दस हजार स्कूल की फीस दे देगा तो बाकी काम क्या करेगा दस हजार अगर मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर गया तो फिर रेंट कैसे होगा और हाउस होल्ड के खर्चे कैसे होंगे तो उसको अपने इस लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वॉन्ट्स को किस इस तरीके से सेटिस्फाई करना है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो और इसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है ये दस हजार को ब, कितनी चीजों पर उसने खर्च करना है ठीक है तो ये दिस व्हाट कॉज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो ये इसके लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जिसके कि अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है वो यूज करें उसको अपने लिमिटेड मीन्स के साथ यूज करें ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो ठीक है बेटे तो चलिए अब बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम को डिफाइन करते कर तो दिया हमने अब वो कितनी तरह की होती है सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम सबसे है पहली वो है वट टू प्रोड्यूस वट टू प्रोड्यूस इज उसके दो डायमेंशन है पहला है वट टू प्रोड्यूस एंड दूसरा हाउ मच टू प्रोड्यूस फर्स्ट फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकॉनमीज वुड्स एंड सर्विस इन रिलेशन टू देर वॉन्ट्स ठीक है वो कहता है सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम है वो ये है हर इकॉनॉमी की कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए मैक्सिमम वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों की ये प्रॉब्लम कहां से होती है बिकॉज कार्स मींस हमारे पास लिमिटेड मीन्स है टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स ठीक है एच इकॉनमी हैज देयर फॉर अ चॉइस टू मेक और एक चॉइस सबको सारी इकोनॉमीज़ में करनी पड़ती है एज टू विच वॉन्ट इट शुड सेटिस्फाई एंड विच वन शुड फोर गो कौन सी उसको जो वॉन्ट है सेटिस्फाई करनी है और कौन सी उसको छोड़नी है मतलब प्रियोरिटाइज करना है इट इन्वॉल्व टू फोल्ड डिसीजन इससे उनको दो लेने पड़ते हैं फर्स्टली द डिस हैज टू डिसाइड गुड्स एंड आर टू बी प्रोड्यूज कौन सी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करनी है क्या वो कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे या कैपिटल गुड्स अब इसमें चॉइस करना मुश्किल है अगर सारे मीन्स उन्होंने कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए लगा दे तो आगे कैपिटल गुड्स नहीं बनेगी तो आने वाले समय में प्रोडक्शन रुक जाएगी और कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो होनी शुरू हो जाएगी और अगर सारा पैसा या सारे मींस कैपिटल गुड्स पर ही लगा दिए तो फिर आज की डेट्स के लिए डेट में जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी या फिर महंगे रेट पे इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे तो दोनों में तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है यही तो प्रॉब्लम है कि कौन से गुड को किस वक्त ज्यादा प्रायोरिटी देनी है अगर पीस का टाइम चल रहा है आपकी किसी कंट्री से वॉर नहीं चल रही तो आप कौन से गुड्स बनाओगे आप कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाओगे और यदि किसी कंट्री की वॉर चल रही है तो उसके लिए कंज्यूमर गुड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा खर्चना किस पे हो जाएगा आपने डिफेंस पे खर्चना जरूरी हो जाएगा ओके जी जा, यदि आपने डेवलपमेंट ज़्यादा रफ्तार से करनी है तो मॉडर्न और टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों ज़्यादा बनानी पड़ेगी ठीक है जी तो इन सबको हम कितने दो कैटेगरीज में बांट दिया कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में यदि कंज्यूमर गुड ज्यादा बनेगी तो कैपिटल गुड नहीं बन पाएगी यदि कैपिटल गुड्स ज्यादा बनेगी तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा नहीं बन पाएंगे और यदि कंज्यूमर गुड्स आज की डेट में ज्यादा हमने रिसोर्सेज खर्च कर दिए तो आने वाले समय की प्रोडक्शन रुक जाएगी वो कम होगी प्रोडक्शन तो हमें वाइब्रेंट इकोनॉमी भी बनानी होती है इसलिए इनका अनुपात प्रायोरिटाइज करने करना पड़ता है हमें और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किस पे कितना पैसा खर्चें दूसरा इसी में जो आता है वेन एन इकोनॉमी हैज टू टेक अ डिसीजन एज वट टू प्रोड्यूस और सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड विच इट हैज टू डिसाइडेड अबाउट इट्स क्वांटिटी जब कोई इकोनॉमी ये कोई एक इकोनॉमी ये डिसाइड कर लेती है कि उनको कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं या किस रेशो में बनाने हैं तब उसके बाद यह महत्वपूर्ण बात आती है कि कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स ताकि दोनों का तालमेल ठीक रहे इकोनॉमी में तो ये कर, चॉइस करना भी एक मुश्किल काम हो जाता है हाउ टू प्रोड्यूस ये दूसरी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है द सेकेंड मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन द प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से मतलब क्या हुआ कि कौन सी टेक्निक ऑफ चॉइस चूज करनी है हमें क्या लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव सो so, लेबर इंटेंसिव क्या होती है लेबर इंटेंसिव वो टेक्निक होती है जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और कैपिटल इंटेंसिव में हम मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल मशीनरी या टेक्निक्स का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ठीक है जी और मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से लेबर के साथ अब दोनों में से किसको चूज करना है यदि तो आपने सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में ज़्यादा करना है आपकी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है आपके पास गरीब लोग ज़्यादा तो उनको रोज़गार देना सरकार की और इकॉनमी की ये प्रॉब्लम और ये ज़रूरत और प्रायोरिटी होती है तो उस केस में तो आप लेबर इंटेंसिव पे ही चलोगे और जहां पर आपके पास रिच पीपल ज़्यादा हैं ठीक है और वो ज़्यादा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है तो उस केस में आपको रोजगार देने की इतनी जल्दी या प्रायोरिटी नहीं है तो आप मॉडर्न या मशीनों से काम करोगे जिससे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगी अमीर देश तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गरीब देश इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते उनके पास सरप्लस लेबर होती है और उनसे काम कराना पड़ता है कैपिटल इंटेंसिव में आपके पास क्या होता है कैपिटल होती है आप हैवी मशीनरी या महंगी मशीनरी लगा सकते हो और वो प्रोडक्ट उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट investment... से जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनता है कि वो फिर वो जो अपना प्रोड्यूसर है अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखता लेना चाहता है तो वो गरीब लोग उसमें सरवाइव नहीं कर पाते तो दोनों में से कौन सी इकोनॉमी आपको चूज करनी है इकोनॉमी में कौन सा मेथड चूज करना है प्रोडक्शन का ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की तरह ही है हाउ टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम ही है फॉर होम टू प्रोड्यूस होम टू प्रोड्यूस का मतलब ओइंग टू लिमिटेड एंड इकॉनमी कैनोट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट डिजाइड कि ओइंग टू द लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से कोई भी इकॉनमी कैनॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड फॉर ऑल सेक्शन सारे सेक्शन के लिए और सोसाइटी रिच पुअर मिडिल क्लास के लिए गुड्स नहीं उनके डिजायर्ड क्वांटिटी में के लिए नहीं बना सकती ब्रॉडली एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शन ज्यादातर तो ठीक है मैंने मिडिल क्लास वर्ड यूज किया पर ज्यादातर हम किस में बांटते क्लासीफाई करते हैं पुअर और रिच में और यदि आपने सारा कुछ पुअर के लिए रिच के लिए बनाया तो प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज हो जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज इससे मिलेगा बट जो पुअर हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगे पुअर नेग्लेक्ट हो जाएंगे उनकी नज़रअंदाजी हो जाएगी और यदि आपने सारा कुछ पुअर के लिए बनाया तो उनके लिए तो चीपर गुड्स चाहिए होते हैं चीपर गुड्स में जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो ज्यादा नहीं आ पाएगा प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो ज्यादा नहीं आ पाएगा तो प्रोड्यूसर आगे इन्वेस्टमेंट फिर क्या करेगा इन्वेस्टमेंट को क्या करता है वो रोक देता है अंडरस्टूड ठीक है बेटे समझ आ गई मेरी बात ओके सो सॉल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज ये तो थी हमारी प्रॉब्लम्स तीन वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस अब हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा डिफरेंट इकोनॉमीज में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था तीन तरह की इकोनॉमीज होती है एक मार्केट इकॉनॉमी होती है एक सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है और एक मिक्सड इकॉनॉमी होती है इन तीनों इकॉनॉमीज में हम वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस किस तरीके से सोल्यूशन निकालेंगे डिफरेंट इकोनॉमीज में उसके बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले वट टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस में विच टाइप्स ऑफ गुड्स तो विच टाइप्स ऑफ गुड्स में मार्केट इकोनॉमी में कौन डिसाइड करेगा प्रोड्यूसर डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कि व... ठीक है डिमांड एंड सप्लाई के बिहार पे वो के बेसिस पे वो डिमांड डिसाइड uh, करेंगे कि उनको कितनी गुड्स बनानी है किस तरीके की गुड्स बनानी है और कितनी क्वांटिटी में बनानी है मार्केट इकोनॉमी में उसके बाद है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में क्या है गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है विच टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस तो इसका मतलब क्या होगा सेंट्रली प्लान इकोनॉमी जो है वो क्या चीज है गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई व्यवस्था है जिसमें उनको ज्यादातर पुअर पीपल का पुअर इकोनॉमीज होती हैं ये यह, यहाँ पे लोगों के गरीब ज्यादा लोग होते हैं तो सरकार की ये प्रायोरिटी होती है कि इन लोगों का ध्यान रखना है और नेक्स्ट इकोनॉमी में बोथ प्रोड्यूसर एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट डिसाइड मतलब प्रोड्यूसर जो बोथ प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट प्रोड्यूसर कैसे करेंगे प्रोडक्शन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो प्रोड्यूसर कहला रहे हैं इसमें और गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेज के साथ प्रोडक्शन करेंगे क्या गुड्स बनेगी और कितनी क्वांटिटी में गुड्स बनेगी सरकार पे भी निर्भर करता है और प्रोड्यूसर पे भी निर्भर करते हैं सरकार जो बनाएगी वो गरीब लोगों को फोकस में रखे या उतनी क्वांटिटी को देके बनाएगी और जो प्रोड्यूस प्राइवेट प्रोड्यूसर्स है वो रिच पीपल के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए बनाएंगे ठीक है जी चलिए हाउ टू प्रोड्यूस टेक्निक प्रोडक्शन तो मार्केट इकॉनमी है वो तो लेबर कैपिटल इंटेंसिव पे चलेगी बिकॉज ऑफ मोर कैपिटल दे आर हैविंग और वो मशीन से काम करेंगे वो रिच इकोनॉमीज उनके पास कैपिटल में इन्वेस्ट करने को पैसा होता है तो वो अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल से काम करेंगे बट पुअर इकोनॉमीज में सेंट्रली प्लान इकॉनॉमी होती है तो वहां पे लेबर इंटेंसिव से काम करना है बिकॉज लेबर को जॉब्स देनी है पॉपुलेशन ज्यादा है और गरीब है सब लोगों को काम देने के लिए उनको लेबर इंटेंसिव टेक्निक से लगाना पड़ता है और मिक्स इकॉनॉमी ठीक है जी उसमें क्या है बोथ कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे दोनों टेक्निक से काम होगा और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस नेचुरली रिच के लिए प्रोड्यूस करना है या पुअर के लिए मार्केट इकोनॉमी तो रिच के लिए प्रोड्यूस करेगी बिकॉज दे कैन एफोर्ड एंड प्रोड्यूसर्स कैन गेट मोर प्रोफिट ओके रिच बिकॉज दे कैन एफोर्ड एंड प्रोड्यूस प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स कैन एफोर्ड गेट ज्यादा प्रॉफिट वो रिच लोगों के लिए बनाएंगे क्योंकि इनका प्रोडक्ट है वो तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के लिए बनाएंगे और रिच पीपल उसको एफोर्ड कर सकते हैं और सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी गरीब लोगों के लिए बनाएगी क्योंकि वो ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते इसलिए वो सस्ता सामान बनाएंगे और वो सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे और फॉर बोथ रिच एंड पुअर पीपल रिच से वो टैक्सेस लेंगे और पुअर को वो सब्सिडाइज फॉर्म में ठीक है प्रोडक्ट्स को बनाएंगे ठीक है रिच के पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे और उनसे जो टैक्स मिलता है सरकार पूवर पीपर के लिए गुड्स बनाएगी सस्ती और उनको सब्सिडाइज रेट पे अवेलेबल कराएगी ठीक है जी तो ये था यहां तक का टॉपिक हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन डिफरेंट इकोनॉमीज में कैसे हैं इसका अगला टॉपिक है जो पीपीसी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके जी डन